राजस्थान में भाजपा की हार के बाद मंथन और चिंतन का दौर चला और हार की समीक्षा की गई। अब इस समीक्षा के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में भले ही हार के कारण बताए गए हैं, लेकिन भाजपा नेताओं में कोई भी हार के कारणों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। प्रदेश भाजपा के नेता हार के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं, लेकिन दोषी कौन है इस नाम पर चुप्पी साध रहे हैं। आइए बताते हैं आपको प्रदेश में भाजपा की हार को लेकर कौन नेता क्या क्या कह रहा है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई। साल 2014 और 2019 में 25 सीटें जीतने वाली भाजपा को इस बार हैट्रिक लगाने की उम्मीद थी, लेकिन मतगणना हुई तो हैट्रिक का दावा करने वाली बीजेपी 14 सीटों पर जीतकर ही संतोष करने लगी। इस अप्रत्याशित चुनाव परिणाम से प्रदेश बीजेपी के कई नेता सकते में आ गए। बीजेपी नेताओं ने हार के कारणों पर मंथन शुरू किया, कई बार मंत्रणा हुई, सामूहिक चिंतन किया गया, लेकिन आखिर में एक बात सामने आई कि हार की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं सबकी थी। सफलता मिलती है तो वो हमारी सबकी है, और अगर कहीं से हम थोड़ी सी चूक जाते हैं या हमारी सीटें कम आती है तो सभी ने उसके ऊपर जरूर जरूर सोचना चाहिए। पार्टी में इस विषय पे सोचने की एक व्यवस्था होती है, इसके ऊपर विचार होगा, मंथन होगा, मनन भी होगा और करेक्टिव एक्शन भी इसके ऊपर ली जाएगी। प्रदेश में चुनाव प्रभारी की गैर मौजूदगी में चुनाव का तमाम काम संभालने वाली प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर ने कहा कि जीत की जिम्मेदारी सभी की होती है तो हार की जिम्मेदारी भी सभी की है। चूक कहां हुई इस पर विचार, मंथन और मनन होगा। प्रदेश महामंत्री और भीलवाड़ा से जीते दामोदर अग्रवाल ने भी कहा कि भाजपा सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है, जीत भी सामूहिक नेतृत्व की होती है और हार में भी हम सब जिम्मेदार हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि भाजपा के समस्त कार्यकर्ता हार की जिम्मेदारी लेते हैं। भाजपा सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है, जीत भी सामूहिक नेतृत्व की होती है और हार में भी हम सब जिम्मेदार हैं। विचार विमर्श करके फैसला करेंगे और अच्छा करेंगे, कोई छोटी मोटी बात रही तो उसको दुरुस्त कर लेंगे। स्वाभाविक तौर पर हार हार होती है और मैंने आपको कहा कि हम उसकी समीक्षा करेंगे, समीक्षा करके तय करेंगे हम लोग कहाँ पर त्रुटि हुई, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। जिम्मेदारी की तो जहाँ पर लोकल कार्यकर्ता काम कर रहा है निश्चित तौर पर उनको जिम्मेदारी अपनी लेनी चाहिए। हालांकि मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि हार के प्रमुख कारण किसान आंदोलन से उपजा असंतोष था। मंत्री खर्रा ने टिकट वितरण में हुई गलतियों को भी जिम्मेदार ठहराया। किसान आंदोलन का असर रहा, टिकट बंटवारे की गलतियों का असर रहा, बहुत सी बातें थी जिनका असर रहा, बता दिया ना मैंने, कहा एक नहीं बहुत सारे कारण थे और सारे कारण साथ मिलकर ये हालात हो। कुल मिलाकर प्रदेश की 11 लोकसभा सीट पर हार के कारणों की रिपोर्ट तैयार की गई है। पार्टी की हार के बहुत सारे कारण थे, लेकिन इसमें सामूहिक जिम्मेदारी ही आखिरी निचोड़ निकल कर सामने आया। कुल मिलाकर इस तरह के परिणामों के बाद प्रदेश में पार्टी को और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। राजस्थान में बदलाव होगा या नहीं ये तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन अब कुछ दिनों बाद प्रदेश की 5 सीटों पर उपचुनाव होगा जिसमें एक बार फिर पार्टी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार हैट्रिक लगाने का दावा कर रही बीजेपी में हार के कारणों को लेकर आत्ममंथन और चिंतन चल रहा है, लेकिन कोई भी नेता इस हार को लेकर जिम्मेदारी लेने से तैयार नहीं है। कारण साफ है कि जिम्मेदारी ले तो कौन, और जिम्मेदारी ले तो उस पर गाज गिरना संभव है। ऐसे में सामूहिक जिम्मेदारी की बात नेता कहकर टाल रहे हैं। कैमरामैन देव प्रकाश के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया।